बाप जब तक सर पे होता है तब तक बच्चे बिंदास जीते हैं, कोई टेंशन नहीं होता, कुछ भी होगा मेरा बाप है संभाल लेगा। बाप जब तक सर पे होता है तब तक बच्चे बिंदास जीते हैं, कोई टेंशन नहीं होता, कुछ भी होगा मेरा बाप है संभाल लेगा। नाज़रीन आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता 16 सितंबर के दिन पैरागॉन ग्रुप के एमडी अवय समद वारसी साहब को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की जानिब से बेस्ट स्टीव डोर्स अवार्ड से नवाजा गया श्यामा प्रसाद पोर्ट के चेयरमैन द्वारा। आगे वीडियो में देखें उस इवेंट की कुछ झलकियां और उस इवेंट से जुड़े तमाम रिपोर्ट। गुड आफ्टरनून, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और आज हमारे साथ ख़ास मुलाकात में ख़ास मेहमान मौजूद हैं अवैस अहमद वारसी साहब। आपकी जो तारुफ है वो ये है कि पैरागॉन ग्रुप के ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और हाल ही में स्टीवन डोर अवार्ड से सम्मानित किया गया है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, जो कि अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, उनके चेयरमैन द्वारा। से अवैस साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस बड़ी अचीवमेंट को लेकर। जैसे हमने सुना था कि आपके अब्बू का ये ख्वाब था स्टीवन डोर अवार्ड से सम्मानित हो, ये ख्वाब पूरे करने में इतना वक्त लगा, किस तरीके की स्ट्रगल, किस तरीके का मेहनत, थोड़ा बताएं सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अब्बू का ख्वाब था कि स्टीवन डोरिंग हम लोग करें। मेरे अब्बू करना चाह रहे थे लेकिन किसी कारण, किसी वजह से उस वक्त नहीं हो पाया। लाइसेंस मिला लेकिन उनको कुछ पॉलिटिक्स था या कुछ भी प्रॉब्लम था, नहीं हो पाया। तो ये अल्लाह का शुक्र है, मालिक का एहसान है, मेरे बाप का ही दुआ है जो आज स्टीवडोरिंग का लाइसेंस हम लोगों को मिला 2 साल 3 साल 4 साल पहले। और हम लोग आज के दिन में अल्लाह का शुक्र है कि बेस्ट स्टीवडोर इन कलकत्ता 2020 और 2021 के चुने गए हैं, जो कल ही मेरे को अवार्ड मिला है चेयरमैन द्वारा, चेयरमैन के हाथ से, और उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। और इसमें स्ट्रगल हम लोगों ने दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा। हमारी पूरी टीम, हमारा सुपरवाइज़र्स, हमारे ऑफिस के स्टाफ्स, मेरे दोनों बेटे, मेरा भाई, हम लोग सब मिलकर बहुत मेहनत किया है। और हम लोगों का हमेशा मोटो रहा है बेस्ट सर्विस टू दी पार्टी। हम लोगों के लिए रेट कोई मैटर नहीं करता है, ऑफ कोर्स रेट है एक, बट रेट के लिए हम लोग किसी का काम ख़राब नहीं करते हैं। हम लोगों का हमेशा सोच यही रहा है, हमारी सारे टीम की, मेरे बच्चों की सोच यही रहा है कि हम लोग कभी भी पार्टी का हैंडलिंग लॉस ना होने दें। कार्गो जितना भी कार्गो है फुलफिल हो, आराम से जहाज़ लोड हो, बार्ज लोड हो, रेक्स खाली हो टाइम से। और अल्लाह का शुक्र है जो हम लोगों ने कोशिश किया, अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई है। यही हम लोगों का है जो आज हम लोगों को अवार्ड मिला है माशाल्लाह। बस साहब, ये जो सिलसिला है, ये इसकी बुनियाद कैसे पड़ी कि कैसे आप बिज़नेस फील्ड से जुड़े, थोड़ा ये बताएं। देखिए, इस बिज़नेस में हम लोग पिछले 20 साल से, हम लोग ट्रांसपोर्ट करते थे पहले, सिर्फ हम लोगों का काम था ट्रांसपोर्टेशन का। जैसे आपका पेट्रोकेमिकल है हल्दिया में, मिट्सुबिशी है, और कलकत्ता में बहुत सारे एक्सपोर्टर्स का है, इंपोर्टर्स का काम करते थे। उसके बाद मेरे बड़े भाई हैं फैज़ अहमद, उन्होंने हम लोगों का हैंडलिंग लाइसेंस बनाया कलकत्ता पोर्ट में, तो हम लोग लेबर सप्लाई का काम शुरू किया। फिर जब पैरागॉन कंपनी बनी पिछले 8 साल में, तो ये स्टीवडोरिंग लाइसेंस हम लोगों ने निकाला। स्पेशली जो नए चेयरमैन साहब आए हैं मिस्टर विनीत कुमार, उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और हम लोगों को स्टीवडोरिंग लाइसेंस मिला। जब स्टीवडोरिंग लाइसेंस मिला,
तब उसके बाद हम लोगों ने अपना मेहनत शुरू किया और भी ज़्यादा, तो पार्टियों को सेटिस्फाइड किया। आज के दिन में अल्लाह का शुक्र है 2020-21 में हम लोगों ने करीब करीब 6.5-7 लाख टन का हैंडलिंग किया है, तो बस यही है। और क्या सर, एक चीज़ देखा जाता है कि काफ़ी चैलेंजेस भरा लाइफ रहता है और काफ़ी कंपटीशन रहता है मार्केट में, इन सब चीज़ों को कैसे ओवरकम करते हैं सर? क्योंकि पोर्ट में देखा जाता है काफ़ी तरह की कॉम्पिटिटर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज मौजूद है, उसके बावजूद भी ये इस अवार्ड को जीतना एक बहुत बड़ा ख्वाब और चैलेंजेस रहा होगा। सर, चैलेंज तो बहुत बड़ा रहता है और आज भी चैलेंज है, और ये अवार्ड मिलने के बाद और भी चैलेंज बढ़ गया है, क्योंकि और भी जिम्मेदारी हो गई है कि इस साल तो आपको अवार्ड मिला, इंशाल्लाह अगले साल भी हम लोग लेने की कोशिश करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। तो चैलेंज से हम लोग लड़ना बखूबी जानते हैं। हम लोग एक्चुअली चैलेंज जब तक होता नहीं है तो काम करने में मज़ा नहीं आता है। वी लव कि कोई हम लोगों को चैलेंज करे, जो बिजनेस में हम लोग के साथ कोई सामने कॉम्पिटिटर नहीं हो तो काम करने में मज़ा नहीं आता है। इसीलिए हम दुआ करते हैं अल्लाह कॉम्पिटिटर पैदा करे, बट अच्छे तरीके से। जो हम मान लीजिए आज के दिन में 500 में करते हैं, कोई अगर 300 रेट देता है तो वो ख़राब है, दैट इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन होता है सर्विस में कि हम पार्टी का जहाज़ को 3 दिन में लोड करते हैं, आप अगर 2.5 दिन में लोड कर दीजिए तो उसको बोलते हैं सर्विस। कॉम्पिटिशन रेट से नहीं होता। रेट से क्या होता है, गिरा के रेट काम पकड़ा, दैट इज़ नॉट अचीवमेंट। अचीवमेंट वो होता है कि आप हमसे अच्छा सर्विस करो। तो हम लोगों का टारगेट यही रहता है कि हम लोग कलकत्ता पोर्ट में जितने भी स्टीवर्ड्स हैं सबसे बेस्ट सर्विस दें हम। और अल्लाह का शुक्र है जितनी भी पार्टी हमारे पास हैं, जितने भी एक्सपोर्टर्स हमारे पास हैं, इम्पोर्टर्स हमारे पास हैं, सब अल्लाह का शुक्र है बहुत ही सेटिस्फाइड है। वही हमारा मोटो है, सेटिस्फेक्शन। सर, कंट्री के जीडीपी में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का काफ़ी बड़ा योगदान रहता है, और इस बड़े योगदान में आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी रहती है? मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर्स आपको ऑर्डर देते हैं और उसको सही वक्त पर पहुंचाना, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी रहती है? ये हमारे ऊपर हकीकतन बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये अल्लाह का करम है, मेरे माँ बाप की दुआ है कि अभी हम लोग कलकत्ता पोर्ट में वन एंड ओनली हैंडलिंग एजेंट हैं, जो अदानी डीपी वर्ल्ड, जो दुबई पोर्ट वर्ल्ड के नाम से है, उसको शॉर्ट में डीपी वर्ल्ड कहते हैं, प्रिस्टीन, एचटीपीएल, वन एंड ओनली हैंडलिंग एजेंट हम लोग हैं, पैरागॉन है। अदानी का रेक सारा हम लोग हैंडलिंग करते हैं, डीपी वर्ल्ड का रेक सारा हम लोग हैंडलिंग करते हैं, प्रिस्टीन का सारा हम लोग हैंडलिंग करते हैं। अब इन लोगों का रेक से कंटेनर्स खाली करके इन लोगों के गोडाउन में पहुंचाना पड़ता है, पार्टियों के गोडाउन में। तो रियली बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी टीम ऐसी है, और मेरे बच्चों का खासकर कामों में ध्यान अच्छा है, वो लोग हर वक्त बिज़नेस को देखते रहते हैं, अलर्ट रहते हैं माशाल्लाह, तो इसलिए अल्लाह कामयाब कर रहा है। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी नहीं होगा। सर, चूँकि एक बार तो में आपने अपने अब्बू मरहूम का भी जिक्र किया, सर कौन सी बातें अब्बू की याद आती हैं जो आपको इस फील्ड पर इंस्पायर करते हैं? मेरे अब्बू की हर बात याद आती है, मेरे अब्बू की हर बात याद आती है, और मेरे अब्बू की सबसे बड़ी बात, कुछ खास जुड़ा किस्सा छोटा सा याद आती है कि जब भी अब्बू के पास हम लोग परेशान होकर स्पेशली हम जाते थे तो मेरे अब्बू मेरे सर पे हाथ सहलाते थे, उनके पैर के पास हम बैठते थे तो मेरे अब्बू मेरे सर पे हाथ सहलाते थे, बोलते थे घबराओ मत, मेहनत करो, और मेहनत करो और ईमानदारी के साथ मेहनत करो, तुम कामयाब हो गए। तो कल जब हम लोगों ने अवार्ड को रिसीव किया तो अब्बू की बहुत याद आ रही थी, ऐसे हर वक्त अब्बू की याद आती है। लेकिन उस वक्त वो पीरियड जो था, उस वक्त अगर मेरा बाप मेरे साथ खड़ा होता और माहौल दूसरा होता। खैर, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और बाप ऐसे नाम है कि बाप अगर जिसके सर पे ना हो उस औलाद के दिल से पूछिए। बस अल्लाह का बहुत बड़ा नेमत, अल्लाह की नेमत है, प्लस बाप बाप है।
माँ का अलग मर्तबा है, लेकिन बाप जो है, बाप जब तक सर पे होता है तब तक बच्चे बिंदास जीते हैं, कोई टेंशन नहीं था, कुछ भी होगा मेरा बाप है संभाल लेगा, जिम्मेदारी की बोझ नहीं। हाँ, कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। आज हम लोगों को एहसास होता है कि जब मेरे अब्बू नहीं हैं, लेकिन यकीन मानिए भाई, हम आपको हकीकत बता रहे हैं कि आज भी कोई भी परेशानी, कभी टेंशन होता है तो हम अपने अब्बू के कब्र मुबारक पर जाते हैं और उनसे हम लोग का, समझ लीजिए, रूबरू जैसे अपने दिल की बात उनको कहते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी परेशानी 16 आना मस्जिद से निकलने के पहले वो परेशानी ख़त्म हो जाती है, ये करम है मालिक का हमारे। आज के नौजवान नस्लों से क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? मेरे तरफ से हमारे नौजवान भाइयों से, मेरे बेटों से, बच्चों से यही एक रिक्वेस्ट है, यही मैसेज है कि अपने माँ बाप का इज्जत करें, एहतराम करें, क्योंकि जब माँ बाप नहीं रहते हैं तब रोने से फ़ायदा नहीं। जब तक जिंदा है उनका एहतराम करें, इज्जत करें उनकी, और ख़ूब मेहनत करें। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह मेहनत करने वालों के साथ है और अल्लाह कभी भी मेहनत को ज़ाय नहीं होने देता है, अल्लाह कामयाबी अता करता है। किसी से हसद ना करें, जलन ना रखें, सिर्फ मेहनत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अवैध साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे अवैध समत वारसी साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पैरागन ग्रुप्स के, और कल ही इन्हें स्टीव डोर अवार्ड से नवाजा गया कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की जानिब से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है और बहुत ही मायने रखता है ये अवार्ड इस फील्ड में, जो काम करते हैं वो तमाम लोग जानते हैं। लिहाजा अवैध साहब से बात करके ये पता चला, और उन्होंने लोगों से अपील भी की आज के नौजवान नस्लों से कि माँ बाप की इज्जत करें, एहतराम करें और मेहनत से काम करते रहें, मेहनत और लगन से अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब बनाएंगे। नाज़िर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है साहिल अवैस वारसी साहब और फ़कर अवैस वारसी साहब, जो कि पैरागॉन ग्रुप से ही जुड़े हुए हैं। अवैस वारसी साहब के साहबजादे हैं, एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट स्टीव डोर अवार्ड से नवाजा गया। दादा की जो ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश कहीं ना कहीं पूरी हुई, काफ़ी वक्त लगा, कितना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम लोगों को कलकत्ता पोर्ट की तरफ से स्टीव डोर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। इस अवार्ड के पीछे सबसे बड़ा हाथ, सबसे ज़्यादा मेहनत मेरे अब्बू मिस्टर अवैश अहमद वारसी साहब का है, जो आज उन्होंने कुछ नहीं से इस कंपनी को एक मकाम दिया है, और देने वाला सिर्फ़ अल्लाह है, अल्लाह के मर्ज़ी से हुआ है, बट इसके पीछे मेहनत तमाम मेरे अब्बू मिस्टर अवैश अहमद वारसी साहब की है। और हम दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत महसूस करते हैं कि हमारे अब्बू का साया हमारे सर के ऊपर रहे, और हम यही दुआ करते हैं कि इसी कदर हमारे अब्बू का साया हमारे सर पर ता कयामत बना रहे, और हम लोग आगे इस अवार्ड के सिलसिले को आगे भी जनरेशन दर जनरेशन बढ़ाते रहें। सिर्फ एक अवार्ड मिलने के बाद में इंसान के ऊपर में एक ज़िम्मेदारी आ जाती है, वो अवार्ड लेकर खुश होना एक अलग चीज़ है, पर उस ज़िम्मेदारी को आगे निभाते रहना कि ये चीज़ कंटिन्यू होता रहे जनरेशन दर जनरेशन हर साल, उस चीज़ के लिए हमारे ऊपर में काफ़ी बड़ी ज़िम्मेदारी आई है, जो इंशाल्लाह हम दोनों भाई अपने अब्बू की सरपरस्ती में पूरा करेंगे इंशाल्लाह। एक जो चीज़ देखा जाता है कि फादर का किया हुआ काम, वो लेगेसी को सामने लेकर चलना, ये भी एक बहुत बड़े अहम काम होता है और बहुत ज़िम्मेदारी की काम होती है। बहुत सारी कंपनीज़ में देखा गया कि बड़ी बनाए बने सल्तनत को उजाड़ कर रख दिए, लेकिन कितना चैलेंजेस फील होता फ़कर आप बताइए? चैलेंजेस तो बिल्कुल बहुत है, पर इंशाअल्लाह अगर हम लोग मेहनत ऐसे ही दोनों भाई करते रहें तो इंशाअल्लाह मेरे बाप ने, अब्बू ने जो बनाया है उसको अपने कंपनी के सारे स्टाफ के साथ, सारे लोगों के साथ हम लोग इंशाअल्लाह मेंटेन करेंगे और आगे ले जाने के हम लोग पूरे प्लान में हैं इंशाअल्लाह। बस अब्बू का एक ही चीज़ हम लोग को याद देना है कि आने वाले सालों में इंशाअल्लाह जो भी हो, ईमानदारी और मेहनत, ये दो चीज़ अगर हमारा पक्का रहेगा इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह आने वाले सालों में हम और बुलंदियाँ हासिल करेंगे।
आगे भी आपको इसी तरह की जो इवेंट्स है, इसी तरह की जो इंटरव्यूज़ है, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगी द लोकल जर्नलिस्ट। फिलहाल हमें दे इजाज़त और देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। स्किन ग्लोज इन टू वेज, ए यूजिंग फिल्टर्स और बी वाटर। बहामास, फील द फ्रेशनेस ऑफ वाटर ऑल ओवर अगेन। मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि यूएनआई की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ यूएनआई की। यूएनआई, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियाँ बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स, आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के। वी कैन गिव यू द फ्रेश वन और यू कैन बाय द सेकेंड हैंड बजट फ्रेंडली कंप्यूटर फ्रॉम अक्की कंप्यूटर्स, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट अक्की कंप्यूटर्स एज सून।